नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हुमांशी तिवारी। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। देश भर में पद्मावती को लेकर हंगामे का दौर जारी। झारखंड के जामताड़ा में क्षत्रियों ने जुलूस निकालकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बिहार के बेतिया में प्रेमी युगल ने जहर पीकर दी जान। मामला संदिग्ध होने पर पुलिस 3 लोगों से कर रही पूछताछ। घरवालों में मचा कोहराम। और बहला फुसलाकर 6 वर्षीय मासूम के साथ अनाचार। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव का मामला। झारखंड के जामताड़ा में क्षत्रिय समाज ने फिल्म पद्मावती का विरोध किया है। क्षत्रिय समाज के लोग शहर में रैली निकालकर फिल्म पर अपनी आपत्ति जताई है। एक रैली शहर में निकाली गई जो जुलूस की शक्ल में जामताड़ा समाहरणालय तक पहुंचा और लोग वहां जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन सरकार को भेजा है। क्षत्रिय समाज के लोगों ने फिल्म के निर्माता लीला भंसाली के खिलाफ नारेबाजी भी की। क्षत्रिय समाज के लोगों का कहना है कि फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है तथा क्षत्रिय की जो छवि इस फिल्म में दिखाई गई है इसे क्षत्रिय समाज आहत है। वह मांग करती है कि इस तरह के सीन जो फिल्म में डाले गए हैं उन्हें हटा दिया जाए, अन्यथा यह विरोध चलता रहेगा। पहले तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी बात कि रानी पद्मावती के खिलाफ जो आपका गलत ढंग से पेश किया गया वो दृश्य को एकदम जल्दी से हटा लिया जाए, नहीं तो और भी बहुत खतरनाक प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। जामताड़ा जिला में नहीं और भी सारे जिला में और पूरे देश में, बल्कि देश के बाहर भी क्षत्रिय समाज सक्रिय है और उग्र भीड़ और उग्र आंदोलन अब करने वाले हैं। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहा प्रखंड को जिला मुख्यालय बेतिया से जोड़ने के लिए पीपा पुल निर्माण कार्य में देरी और विभाग के उदासीन रवैये से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। गंडक पार पहुंच खेती करना इस वर्ष और भी कठिन है, क्योंकि इस साल पीपा पुल लग जाने के आशय से सैराती घाट जगिरिहा घाट टेंडर भी नहीं हो सका, जिससे दियारा में किसानों को खेती करना एक चुनौती साबित हो रहा है। के 60,000 आबादी को गंडक नदी पर पार करने के लिए सरकार ने 28 करोड़ रुपए के लागत का पीपा पुल दिया है, जो कि विभाग से संबंधित लोगों ने अब तक इस पीपा पुल को नहीं लगवाया। इसका क्या कारण है? इसे शीघ्रता शीघ्र विभाग के लोग इसे लगवाने का काम करें। ठकराहा की जनता को खेती के काम करने के लिए तबाही मच रही है। यहाँ के लोगों को शिक्षा दीक्षा रोजी रोजगार व्यवसाय के लिए तबाही मचा हुआ है। प्रशासन की ये कमी है जो कि अब तक पीपा पुल नहीं लगा। इसे शीघ्रता शीघ्र ही पीपा पुल लगवाने का काम किया जाए, अन्यथा हम लोग ठकराहा में धरना प्रदर्शन पर उतर जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में राइटर कंपनी के कार्यालय से 63 लाख की डकैती के मामले में पुलिस ने 2 डकैतों की फोटो जारी की है। पुलिस ने इनके संबंध में जानकारी देने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की है। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर पुरुषोत्तम गौतम ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि आरोपियों का सुराग देने वाले को 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, साथ ही पता बताने वाले को भी नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर पुरुषोत्तम गौतम ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि आरोपियों का सुराग देने वाले को 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, साथ ही पता बताने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। जगदल्ला चांपा स्थित राइटर सेफ कंपनी के कार्यालय से 26 नवंबर की रात नकाबपोश युवकों ने 63 लाख रुपए लूट लिए थे। इस वारदात में 5 आरोपी शामिल हैं। राइटर कंपनी के ऑफिस के अंदर 3 युवक दाखिल हुए थे। पूरी वारदात कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 युवकों का चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा है। इस मामले में आईजी ने एएसपी पंकज चंद्रा के नेतृत्व में रेंज स्तरीय एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें सभी जिले के एक्सपर्ट ऑफिसरों को शामिल किया गया है। यह जानकारी भी आ रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जल्द ही अलग अलग राज्यों के लिए रवाना होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अपने पिता वैद्यराज स्वर्गीय रामलखन सिंह की 39वें पुण्यतिथि पर नालंदा स्थित अपने पैतृक गांव हरनौत प्रखंड के कल्याण बिघा पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री अपने लाव लश्कर के साथ सड़क मार्ग से कल्याण बिघा गांव पहुंचे। यहां सबसे पहले अपने पैतृक गांव स्थित मंदिर में जाकर माथा टेका, वहां से वे सीधे स्मृति वाटिका चले गए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कल्याण बिघा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार तथा उनके परिजनों के अलावा जदयू के स्थानीय नेतागण उपस्थित थे।
बिहार के नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय राजगीर महोत्सव के अवसर पर राजगीर में परंपरागत तरीके से दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए एक से बढ़कर एक नामी ग्रामी पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस राजगीर की भूमि पर जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ था, जिसमें भीम ने जरासंध को पराजित कर उसका वध कर दिया। तब से इस भूमि पर प्रत्येक वर्ष विलुप्त हो रही इस दंगल को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बिहार पर्यटन के द्वारा दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल सहित कई प्रदेशों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। दो दिनों तक चले इस दंगल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड मेडल के अलावे नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। बिहार में गिरियक थाना क्षेत्र के सिथौरा गांव के समीप ट्रैक्टर और बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिससे बाइक चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सिथौरा गांव निवासी मनीष कुमार राजगीर से अपने गांव जा रहा था। इसी बीच सिथौरा से महज कुछ दूरी पर विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर बाइक से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मनीष कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में PMCH रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल मनीष कुमार की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिहार के बेतिया नौतन में जहर खाकर प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली है। घटना नौतन थाना के पूर्वी पंचायत बलवा गांव की है। सूत्रों के अनुसार प्रेमी युगल कमल साह उच्च विद्यालय के 9वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे। उनका प्रेम प्रसंग महीनों से चल रहा था और पुलिस लड़के पक्ष के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के शंका पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के हजारीबाग कोर्रा TOP के अंतर्गत मटवारी उच्च पद को जमीनी विवाद के कारण एक पक्ष ने जाम कर दिया है। बता दें कि जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बताते चले कि मटवारी स्थित एक छोटे से भूखंड को लेकर पिछले कुछ सालों से विवाद चल रहा था। मामला SDO के संज्ञान में आने पर उक्त जमीन के कागजात अवलोकन के बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने एक पक्ष को निर्माण करने की अनुमति दे दी, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने काम बंद करवा दिया। घटना से आहत पक्ष ने मटवारी मार्ग को जाम कर दिया है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सदर इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने लोगों को समझा बुझा कर किसी तरह जाम खुलवाया और तब जाकर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो पाया। जितने पक्ष के लोग जो भी हंगामा कर रहे थे, उनका दावा है कि जमीन हमारा है, जबकि बाकी का किसके पास में जमीन है, मालिकाना घर किसके पास में है, ये तो निर्धारित नहीं कर सकते, इसमें मैं कुछ नहीं बोलता। बिहार के मझौलिया प्रखंड सभागार में आयोजित पंचायत समिति व मुखिया की बैठक उप प्रमुख नंद किशोर यादव की अध्यक्षता में बुधवार के दिन शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने सदन में MO CDPO, मझौलिया थाना, चीनी मिल प्रबंधक, बैंक के अधिकारी के अनुपस्थिति का मुद्दा गर्मा गर्म बहस बना रहा। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत नेम प्लेट के नाम पर प्रत्येक परिवार से 30 रुपए का अवैध वसूली रशीद काट कर किए जाने का मामला सदन में जोरदार ढंग से छाया रहा। बताते चले कि जिला प्रशासन की गोपनीय शाखा से निर्गत पत्रांक पर BDO द्वारा हस्ताक्षरी कर अधिकांश पंचायतों से अवैध रूप से लाखों रुपए की वसूली कर लिए जाने का मामला पर BDO द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आक्रोशित जन प्रतिनिधियों द्वारा सदन का बहिष्कार कर दिया गया। पंचायत समिति की बैठक में जन प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए सवालों को BDO द्वारा जवाब नहीं देने से जन प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कथित पंचायत में तकरीबन लाखों रुपए का वसूली की है। BDO द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के तहत तो नेम प्लेट के नाम पर 30 रुपए उगाई की गई। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। झारखंड में हेरहंज थाना के लावा गादा में 24 नवंबर की रात्रि को एक दंपति की हत्या कर दी गई। ज्ञात हो कि दोनों ने 10 दिन पहले ही भाड़े की दुकान लेकर मुर्गी फार्म खोला था और दोनों पति पत्नी थे। उनका 2 पुत्र और 2 पुत्री भी हैं। दोनों की हत्या उन्हीं के घर में कुल्हाड़ी और चाकू से मारकर कर दिया गया और दोनों की लाश को छोड़कर अपराधी भाग गए। और इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पाकी बालूमाथ रोड को जाम कर दिया था। और इस मामले में पलामू DIG विपुल शुक्ल के साथ डॉग की टीम ने भी इस हत्याकांड का खुलासा में सहयोग किया। वहीं पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार अपराधी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इन सबों ने मेहनत किया, जो वहाँ पे चीजें छूटी हुई थी उसको तार से तार मिलाते हुए, जैसे शराब की बोतलें थी, टूटा हुआ कुछ चेन था और सारी चीज़ों को तार से तार मिलाते हुए अभी पकड़ा गया और फिर उसके निशानदेही से और भी कुछ सामान पकड़े गए, जैसे हत्या में प्रयोग किया जाने वाला सामान भी पकड़ाया, सारी चीज़ पकड़ाई। हमारा 550 kg वेट है ना इनका, और इसमें 6 एक्यूज पकड़े गए हैं और जैसी संभावना है इन्होंने अभिजीत के पावर प्लांट से इससे छुड़ाया है। कुल कितने लागत का अंदाजतन सामान होगा सर? अनुमान तो मैं बता नहीं पाऊंगा कितना लागत होगा, लेकिन काफी महंगा है ये। झारखंड के लोहरदगा में शिशु के जन्म के बाद माँ अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाई। शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ दुनिया छोड़ गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने परिजनों और शल्य चिकित्सा में शामिल चिकित्सकों का बयान लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों ने घटना को लेकर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। मंगलवार की रात 9 बजे प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने राम दुलारी को प्रसव के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। शल्य चिकित्सा से राम दुलारी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद अचानक से राम दुलारी का ब्लड प्रेशर लगातार गिरने लगा। कुछ ही समय के बाद राम दुलारी ने दम तोड़ दिया। चिकित्सक डॉक्टर सुनील मिंज ने कहा कि राम दुलारी की मौत ब्लड प्रेशर लगातार गिरने के कारण हुई है। उन्होंने नियम के अनुसार पुलिस को सूचना दी है और साथ ही शव का पोस्टमार्टम भी कराया है। बयान लिया गया है और एक जिस महिला को एडमिट कराया गया था डाउन होने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई है, उसका फर्द बयान लिया गया है। आगे क्या किया जा रहा है इस पर? फर्द बयान लिया गया है, उसके बाद जो प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया वो होगा। 6 बजे से डिलीवरी केस में ले गए थे तो वहाँ दर्द उर्द का पता ही नहीं चला, इसीलिए रखा गया और सुबह तक भी दर्द का पता नहीं चला। इसलिए सुबह फिर कहें कि डॉक्टर साहब लोग क्या ऑपरेशन करना ही पड़ेगा तभी कोई उपाय हो। हमने कहा कि जैसे भी अब सुविधा है हम क्या जानेंगे, डॉक्टर ही लोग ना जानेंगे जैसे सुविधा है। फिर क्या हुआ? फिर लाए, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ। हाँ, ऑपरेशन में लाए, उसके बाद बच्चा तो किसी तरह पैदा हो गया। फिर डिलीवरी वो काम बना थे उसका, माँ बचाने के चक्कर में बहुत कोशिश किया फिर भी नहीं बची। सिजेरियन ऑपरेशन कर रहे है ना, बच्चा जो है सही सलामत निकला, अचानक जो है उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगा, कम होते हुए फॉल करते करते बहुत ज़्यादा फॉल कर गया है ना। सब दवा दिया गया उसको पर फिर भी जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर में कोई सुधार नहीं हुआ, वो गिरता चला गया। सब मैनेज करने के बावजूद उसका 11/5 में उसका मौत हो गया। बिहार के नालंदा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका के द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बीती संध्या को लहेरी थाना और स्वाट दस्ता टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को भारत गैस गोदाम के नजदीक से गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल के साथ एक लोडेड देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जबकि उसका दूसरा साथी मुरारपुर निवासी शिव कुमार भागने में सफल हो गया। शिवराम कुमार के ऊपर मारपीट का मामला पूर्व से लहेरी थाना में दर्ज है। पूर्व में भी शिवराम कुमार भाई टेनी कुमार शराब तस्करी के मामले में अभियुक्त हैं, जो पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। उक्त बातों की जानकारी पुलिस उपाधीक्षक निशित प्रिया ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे बिहार शरीफ में वाहन चेकिंग का सघन अभियान चलाया जाता है, तो कल संध्या में गैस गोदाम के पास वाहन चेकिंग लहेरी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जा रहा था, तो वहीं पे देखा गया कि एक 2 लड़का जो अपाचे बाइक पे सवार था वो पुलिस को देकर भागने लगे। पुलिस जब उसके पीछे गई तो एक लड़का भागने में सफल हो गया, दूसरे लड़के की गिरफ्तारी की गई जिसका नाम सागर कुमार है। उसके पास एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिला। उस गाड़ी की जब तफ्तीश की गई तो गाड़ी भी राजा बाजार की और वो गाड़ी चोरी की है। आगे का अनुसंधान। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव थाना में एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले की सूचना पर पत्थलगांव पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी बम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल यह पूरा मामला पत्थल गांव का है, जहां एक 6 वर्षीय मासूम के साथ युवक बमबम ठाकुर के द्वारा जबरन दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें कि दुष्कर्म का आरोपी बमबम ठाकुर, जो मूलतः झारखंड का निवासी है और पत्थल गांव के ढोड़ी टिकरा में किराए के मकान में रहकर स्थानीय आमंत्रण होटल में काम करता है। यह पूरी घटना 27 नवंबर की है, जब मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और इस दौरान उस नन्ही बच्ची के साथ इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद जब बच्ची रोने बिलखने लगी और जब इस बात की जानकारी मासूम के परिजनों को हुई, तो उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत पत्थलगांव थाने में कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्थलगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बमबम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी बमबम ठाकुर ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसने बच्ची के साथ किसी भी तरह से गलत काम नहीं किया है और उसे जबरन फंसाया जा रहा है। एक लड़का था झारखंड का, सर बमबम ठाकुर बोलते हैं जिसको, तो आमंत्रण में सप्लायर का ड्यूटी करता है और मेरे दुकान में आया था और इस बच्ची के साथ उल्टा सीधा हरकत करने की कोशिश कर रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, उसके पास कार्रवाई चाहते हैं। हाँ, तो कार्रवाई हो रहा है सर, उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। सर मैं आमंत्रण स्वीट में काम करता था, मेरा रूम में हम अपना कपड़ा समेट रहे थे, इस बीच में एक छोटी सी बच्ची आ गई थी 5-6 साल का बगल वाली, तो वही बोल रही थी, वो अपना माँ बाप को बोल रही कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे कर रहा है, मगर मैं उसके साथ में कुछ नहीं किया हूँ, आप डॉक्टर उक्टी जो भी चेक करना होगा आप कर लीजिए। तो गलत काम नहीं किया आप? नहीं किए हैं सर, बाकी उसको आके हम बैठाए हैं, उसका डालू पकड़े हैं, उसको हम बैठा दिए थे। मैं बोला कि मेरे घर कहाँ है, तो बोलती उधर उधर, तो हम बोले कि तेरा घर किधर है, मेरे को मालूम नहीं था, जानकारी नहीं था, मैं भी इधर नया हूँ, तो फिर उसके बाद हम छोड़ दिए। तो जबरदस्ती फंसा आपको? हाँ, उसका पिताजी से लोग से मेरे से जान पहचान ही है, सब तो मोहल्ले में ही रहता है, मैं नहीं जानता था कि उसका ही बेटी है, मैं तो नहीं पहचानता था किसी को। दुश्मनी था क्या पहले आपसे? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं, मेरे से कोई दुश्मनी नहीं। क्यों फंसा रहे आपको? वही चक्कर में फंसा रहे कि तुम मेरा बेटी को क्यों घुसा दिया था रूम में, जबकि मैं किसी को नहीं बुलाने के लिए गया था, ना किसी को मैं लाने के लिए गया था, वो खुद आई थी। किसके रूम में घुसा थे? सर मेरा रूम अपना अलग था ना, तो रास्ता है, तो छोटी सी बच्ची आ गई थी मेरा रूम। कहाँ है तुम्हारा रूम, कहाँ था? ढोली टिकरा है सर। इधर पुलिस ने मामले में पीड़ित के परिजनों की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। अभी यहाँ ढोड़ी टिकरा पत्थल गांव के बस्ती की ढोड़ी टिकरा के 4 वर्षीय एक बालिका का पिता कल थाने में आकर के रिपोर्ट लिखवाया कि उसकी बच्ची के साथ वहीं पड़ोस में किराए में रह रहा झारखंड तरफ का लड़का बमबम सिंह ठाकुर, वो उसको झांसे में लेकर के उसके साथ अनैतिक काम किया है, जिसकी सूचना पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को हिरासत में ले लिए हैं। अब किस तरह से कार्रवाई की जाए सर? इसमें IPC की धारा 342, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4-10 लगाया गया है और अब प्रकरण की विवेचना है, आरोपी हिरासत में है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें INN 24 पर। नमस्कार।